हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूमिका परमा. इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड आल्सो प्रीफेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल टू अ मोनोमियल. मोनोमियल यानी कि वन टर्म वाला जो है उसका हम लोग वन टर्म से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम लोगों को आंसर जो है वो क्या मिलेगा, तो वो हम लोग देखते हैं. तो और मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मोनोमियल्स, दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन. अब 4 इंटू एक्स हम लोग करते हैं, एक कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो ये सिंपली क्या है, 4 टाइम्स एक्स है, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x वी कैन इजिली मल्टीप्लाइड. अगर सिमिलरली हम लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई विथ 3x हो, तो 3x जो है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स. सो 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x, वो डायरेक्टली हम लोगों के पास मिलता है 12x. और सिंपली आप चाहें तो 4 3 12 इंटू एक्स, सो 12x. नोटिस दैट ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोमियल्स 3xy, 15xy, -15xy आर ऑल्सो मोनोमियल्स. एक्स के साथ वाई हो, जैसे एक सिंपल एक टर्म हो जिसमें कुछ एडिशन ना हो, सब्ट्रैक्शन ना हो, तो वो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोमियल. जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने जो है एग्जांपल, ये जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन देखा था उसके पहले हमें देखा था कि किस तरह से हम लोग जो है वो मोनोमियल्स के, किसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं. अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक्स इंटू 3y, सो 3xy, 5x इंटू 3y, सो 5 3 15, कांस्टेंट का हम लोग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 5 3 15 इंटू एक्स इंटू वाई, सो 15xy. नेक्स्ट है 15x इंटू -3y. अब हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल में कि प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस का साइन आएगा एंड 5 3 15 एक्स इंटू वाई, सो 15xy. नेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, 5x इंटू 4x स्क्वायर. अब हम लोगों के पास यहाँ पे तो सिर्फ एक्स इंटू वाई या फिर सिर्फ एक ही बार एक्स था, इस तरह के कुछ एग्जांपल थे. अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो है वो लिनियर टर्म है, जबकि ये जो है वो स्क्वायर वाली टर्म है, यानी कि यहाँ पे x की पावर जो है वो ओनली 1 है, जबकि यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है. तो उस टाइम पे हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, तो 5 इंटू 4 कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सो 5 4 20, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर्ड, तो वो कितना हो जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक है हम लोगों के पास रूल कि अगर हम लोगों के पास बेस सेम हो तो हम लोगों को पावर जो है उसका एडिशन करना होता है. जैसे यहाँ पे बेस अगर सेम है तो वो है एक्स, दोनों में एक्स ही है, तो हम लोग सम करेंगे पावर का, यानी 2 एंड यहाँ पे 1 है, सो 2 प्लस 1, सो 20x क्यूब, सॉरी 2 प्लस 1 यानी 3, सो 20x क्यूब. देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड मोनोमियल, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. इट मीन्स फॉर एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इंटू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ सेकेंड मोनोमियल. सेम वे फिफ्थ वाला एग्जाम्पल उसी टाइप का है, यहाँ पे आप लोगों को देखे तो इस टर्म में सिर्फ एक्स है, जबकि ये वाली जो टर्म है इसमें एक्स वाई एंड जेड सारे जो वेरिएबल्स हैं वो दिए गए हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, सो 5 इंटू -4 इट विल बी -20. नेक्स्ट एक्स जो है वो हम लोग के पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर x हम लोग देखें तो बेस सेम हो तो पावर का सम, यानी 1 प्लस 1, सो हो गए हम लोगों के पास 2, -20x स्क्वायर्ड. y इंटू जेड, तो इस टर्म में y एंड z है ही नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे -20x स्क्वायर्ड yz. तो इस तरह से हम लोग जो है वो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे.
अब नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर मोनोमियल्स, तो अगर थ्री और मोर मोनोमियल्स हों, ये तो यहाँ पे हम लोगों ने टू मोनोमियल्स का है मल्टीप्लिकेशन देखा, अगर हम लोगों के पास तीन या तीन से ज़्यादा मोनोमियल्स हों तो उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हैं 20x इंटू 5y इंटू 7z। अब इसका हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन करना है, सो कॉन्स्टेंट का पहले मल्टीप्लिकेशन यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, सो 5 2 10, 10 इंटू 7 70, सो 70 यहाँ पे आ गया हम लोगों के पास। अब यहाँ पे है x, यहाँ पे y एंड यहाँ पे z, सो x इंटू y इंटू z, xyz, सो हम लोगों के पास फाइनली मिलता है 70xyz। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो के लिए किया, ठीक उसी में स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है 4xy इंटू 5x2y2 इंटू 6x3y3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगेन कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, सो 4 इंटू 5 20, 26 आर 120, तो वो आ गया हम लोगों के पास यहाँ पे 120। अब हम चलते हैं वेरिएबल की ओर, सो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वाड है एंड एक्स क्यूब है, तो सारे के सारे वेरिएबल्स अगर हम लोग देखें तीनों टर्म में एक्स का, तो उसका पावर जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। तो फाइनल आंसर हम जब लिखेंगे तो उसमें एक्स जो होगा उसका पावर कितना होगा, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, सो 120x रेस टू 6। अब चलते हैं वाई की ओर, सेम वे वाई में भी हम लोग जो तीनों टर्म्स के हैं तो उसका हम लोग सम करेंगे, सो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, मैंने जो आपको रूल बताया जो मल्टीप्लिकेशन का था कि बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट सॉरी पावर जो है उसका हम लोग सम करेंगे। सो ये फाइनली हम लोगों के पास हो गया 120 इंटू x रेस टू 6 y रेस टू 6। नाउ इट इज क्लियर दैट वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू पोनोमियल्स एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग। हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे की ओर जाएंगे, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वो सेम ही आंसर हम लोगों को मिलेगा। दिस मैथड कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ मोनोमियल्स। तो ये जो मैथड है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लीकेशन यानी 5 2 20, एक्स का अगर लिखना है पावर तो 2 प्लस 1, सो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, सो 20x³y³ इंटू तीसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो 6x³y³ मल्टीप्लाई में आएगा, फिर उन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये जो मैथड है वो मैथड हम लोग सारे मल्टीप्लीकेशन के लिए, मतलब बड़े नंबर्स, बड़े मोनोमियल्स सॉरी बड़े पॉलीनोमियल्स हम लोगों के पास हो तो उस टाइम पे हम लोग ये वाले मैथड जो है वो यूज करेंगे। देखते हैं हम लोगों के पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट इन अदर वे ऑल्सो, जो मैंने आपको मेथड बताई वो डायरेक्टली तीनों का हम लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर जो वेरिएबल थे उनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो वो हम लोगों को सेम ही आंसर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड गिवन ब्रेथ। एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एरिया, यानी कि यहाँ पे सिंपल हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है, सो 3 इंटू 5 15, 5 3 15, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 9 इंटू 4 36, एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई अगेन स्क्वायर यानी 2 प्लस 1, सो 36y³। सेम वे हम लोगों के पास है 4ab इंटू 5bc, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, ए वन टाइम ही है सो ए, बी जो है हम लोगों के पास दोनों में है सो बी 1 प्लस 1 b की पावर यानी 2 हो जाएगी, सो 4ab² c। सेम वे यहाँ पे 2l² m
इंटू थ्री एल एम स्क्वायर, यहाँ पे हैं टू एल स्क्वायर्ड एम इंटू थ्री एल एम स्क्वायर्ड, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टू इंटू थ्री यानी कि हो जाएगा सिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एल स्क्वायर्ड एम इंटू एल एम स्क्वायर्ड। अब एल की पावर जो है टू प्लस इसकी जो पावर है वो है वन, सो टू प्लस वन हो जाती है थ्री। अगेन एम की पावर वन यानी टू तो थ्री, सो सिक्स एल रेस्ट टू थ्री एम रेस्ट टू थ्री। इस तरह से हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। पहले हम लोगों ने यहाँ पे दो का मल्टीप्लीकेशन किया था, सेम वे में हम लोग यहाँ पे तीन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो टू ए एक्स थ्री बी वाई फाइव सी जेड। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो है वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं, एल बी एच। सो टू इंटू थ्री इंटू फाइव, सारे कॉन्स्टेंट जो है उसका पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर ए एक्स बी वाई एन सी जेड, सो थ्री थर्टी ए बी सी एक्स वाई जेड। सेम वे एम स्क्वायर्ड एन, एन स्क्वायर पी एंड पी स्क्वायर एम, वो हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में टू क्यू फोर क्यू स्क्वायर एंड एट के एट क्यू क्यू, तो उस तरह से हम लोग जो है वो तीनों के मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब आज जो हम लोगों ने देखा उसी के ऊपर डिपेंडेंट आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 9.2, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है। फाइव क्वेश्चंस हैं तो वो फाइव क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।